हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे स्ट्रक्चरल एनालिसिस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम था डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी। ठीक है, तो इसके हमने 7 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, आज हम 8th पार्ट करने वाले हैं। 8th पार्ट में हम दूसरे टाइप की प्रॉब्लम देख रहे हैं। 8th टाइप में हम देख रहे हैं अनदर मैथड, एक दूसरा मैथड देखेंगे हम फॉर रिजिड फ्रेम के लिए। ठीक है, फॉर रिजिड फ्रेम के लिए हम दूसरा मेथड देखेंगे। हम बात कर रहे थे फ्रेम्स की ही बात कर रहे थे, प्लेन फ्रेम्स एंड स्पेस फ्रेम्स की हम बात कर रहे थे। अभी हम बात करेंगे रिजिड फ्रेम के बारे में बात करेंगे। इन प्लेन फ्रेम एवरी मेंबर कैरीज 3 फोर्सेस। ठीक है, प्लेन फ्रेम में क्या होता है, हमारे पास जो भी मेंबर है हमारे पास वो कैरी करता है, 3 फोर्सेस को कैरी करता है। सबसे पहली फोर्स आ गई बेंडिंग मोमेंट, सेकेंड शियर फोर्स एंड देन एक्सियल फोर्स। ठीक है, हेंस टोटल नंबर ऑफ अननोन्स हमारे पास कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ अननोन्स 3m+r। ठीक है, दैट मीन्स m आ गया नंबर ऑफ मेंबर्स एंड r आ गया हमारे पास नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस। ठीक है, एट जॉइंट्स नंबर ऑफ इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अवेलेबल। ठीक है, तो जॉइंट्स पे हमारे पास जो इक्वेशन, जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल होती हैं वो 3 होती हैं। दैट मीन्स समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास कितनी होगी, 3j। j क्या हमारे पास नंबर ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, हेंस द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, देयरफॉर द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी जो होगा किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, ds इक्वल टू 3m-r-3j। तो ये फार्मूला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये आपको रिमेंबर कर लेना है। डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 3m+r-3j। तो ये आपके पास फार्मूला है, ये आपको याद रखना है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी फाइंड करने का फार्मूला। इसमें m क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब कितने मेंबर्स हमारे पास हैं। आर क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन, सपोर्ट की रिएक्शंस कितनी है वो है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। ये है नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स, और हम बात करें आर क्या है, नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस, नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस। देन हमारे पास जे क्या है, जे है हमारे पास नंबर ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, कितने नंबर ऑफ जॉइंट्स हैं। ठीक है, तो आगे हमारे पास जब प्रॉब्लम्स आएंगी वो हम देख लेंगे, तो ये आपको फिलहाल रिमेम्बर कर लेना है। नेक्स्ट इसी में हमारे पास पॉइंट है, इफ हाउएवर इफ द फ्रेम कैरीज हिंजेस, अगर हमारे पास फ्रेम है, इस केस में फ्रेम कैरी कर रहा है हिंजेस को, फ्रेम में कोई हिंज है, तो हमारे पास जो डी एस है वो रिड्यूस हो जाएगा फर्दर बाय समेशन ऑफ m-1। समेशन ऑफ m-1 रिड्यूस हो जाएगा, दैट मीन्स हमारे पास जो फार्मूला बन जाएगा डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी का वो कुछ ये बन जाएगा। दैट मीन्स पहले क्या था, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी का फार्मूला 3m+r-3j, ये फार्मूला था पहले। तो जब हमारे पास हिंज आ गए, इसमें से हमने माइनस कर देना समेशन ऑफ m-1। ठीक है, तो ये इतना सा फार्मूला ऐड हो जाएगा इसमें हिंज की वजह से। ये किसकी बात कर रहे थे, प्लेन फ्रेम की बात कर रहे थे। वैसे ही सिमिलरली हम स्पेस फ्रेम की बात करें इसी में ही, तो हमारे पास क्या होगा, जो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी का जो फार्मूला है स्पेस फ्रेम के केस में, स्पेस फ्रेम के केस में हमारे पास जो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी का जो फार्मूला है वो सिंपली 3 की जगह पे 6 आ जाएगा। ठीक है, प्लस आर माइनस, यहाँ पे भी 3 की जगह पे 6 आ जाएगा, 6j। तो ये आ गया स्पेस फ्रेम के लिए विदाउट हिंज, ये आ गया विदाउट हिंज, मतलब हिंज के बगैर। लेकिन अगर हम इसमें भी हिंज इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमारे पास डीएस का जो फार्मूला है वो बन जाएगा 6m+r-6j- समेशन ऑफ 3m-1। ठीक है, तो ये जो इसमें से माइनस होगा, यहाँ पे m-1 हुआ था, यहाँ पे 3m-1 माइनस होगा। ठीक है, तो ये भी स्पेस फ्रेम के लिए है विद हिंज, अगर हिंज हमारे पास होगी क्वेश्चन में तो। ठीक है, तो ये था हमारे पास सारा टॉपिक इस केस का, हिंज का। ठीक है, स्पेशल रिजिड फ्रेम के लिए था। तो ये कुछ इसके फार्मूला थे, ये हमने देख लिए, आगे हम देखेंगे।
आगे जो हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं वो है स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फॉर बीम्स। ठीक है, तो हमने फ्रेम्स की तो बात कर ली, अब हम बात करते हैं स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फॉर बीम्स। ठीक है, बीम्स की हम बात करते हैं, तो बीम्स के केस में हमारे पास क्या होगा, बीम इज मेड कैंटिलीवर बाय एडिंग कंस्ट्रेंट एंड रिमूविंग ऑल अदर सपोर्टेशन। ठीक है, तो बीम को कैंटिलीवर हमने बनाना होता है By adding the constraint, constraint को add करके, जैसे हम पीछे add करते थे, beam को हम cantilever बनाते थे, and removing all other supportations, जो ना इसमें हम remove करते हैं all other supportations को, ठीक है? तो इसको कैसे करते हैं, इसकी जब हम example करेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसमें जो हमारे पास जो formula होता है इसमें degree of static indeterminacy find करने का, वो हमारे पास है support remove, ठीक है, support remove, कितनी हमने सपोर्ट रिमूव की माइनस कॉन्स्टेंट एडेड, कॉन्स्टेंट एडेड, कॉन्स्टेंट एडेड मतलब कॉन्स्टेंट एडेड का मतलब हो गया कि फिक्स सपोर्ट बनाने के लिए कितनी हमें रिएक्शंस ऐड करनी पड़ी। ठीक है, वो है कॉन्स्टेंट एडेड। ठीक है, तो जैसे ही हम एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल नंबर वन कर रहे हैं, इससे आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास ये एक बीम है, यहाँ पे एक हिंज दी है, यहाँ पे हमारे पास एक रोलर सपोर्ट है, यहाँ पे भी एक रोलर सपोर्ट है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास केस दिया हुआ है, यहाँ पे हिंज दी है, हिंज, ठीक है, इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको इसकी निकालनी है डिग्री ऑफ स्टैटिक इंटरमिनेसी। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लिख लेते हैं, यहाँ पे कुछ थ्योरी लिखी है, हम देख लेते हैं इसको भी। कॉन्स्टेंट एडेड एट डी एज ए रेसिस्टिंग एज ए रिस्ट्रेनिंग मोमेंट। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास रिस्ट्रेन रिक्वायर्ड होगी ये वन होगी, आर डैश वन होगा, क्योंकि हमें पता, हमने पहले देखा था कि हिंज के लिए जो हम रिस्ट्रेन हम लेते हैं ऐड करते हैं वो कितनी करते हैं, वन ऐड करते हैं। ठीक है, ऑल सपोर्ट एक्सेप्ट फिक्स सपोर्ट एट ए इज रिमूव, जितनी भी सपोर्ट है फिक्स सपोर्ट के अलावा उनको हमने रिमूव करना है। अब देखो, इसको रिमूव करना है, इसको रिमूव करना है। ठीक है, टू मेक द बीम कैंटिलीवर नंबर ऑफ सपोर्ट रिमूव, तो कितनी सपोर्ट हमने रिमूव करनी है, एक यहाँ पे सपोर्ट रिमूव करनी है, एक यहाँ पे सपोर्ट रिमूव करनी है, मतलब दो सपोर्टें हमने रिमूव की। तो नंबर ऑफ सपोर्ट रिमूव, नंबर ऑफ सपोर्ट रिमूव, कितनी सपोर्टें हमने रिमूव की, दो रिमूव की, वन प्लस वन, एक ये होगी दो सपोर्टें रिमूव की। तो देयरफॉर डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ सपोर्ट रिमूव, कितनी सपोर्टें रिमूव की, दो, ये फार्मूला है, नंबर ऑफ सपोर्ट रिमूव माइनस कंस्टेंट ऐड, कितनी कंस्टेंट ऐड की, यहाँ पे हमने एक ही कंस्टेंट ऐड की है तो यहाँ पे वन आ जाएगा, टू माइनस वन दैट मीन्स वन, तो वन आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसमें हम सेकंड एग्जांपल की बात करेंगे बीम के केस में, तो हमारे पास कुछ इस तरीके की एग्जांपल है, यहाँ पे हमारे पास एक रोलर सपोर्ट दी है, यहाँ पे भी हमारे पास एक रोलर सपोर्ट दी है, यहाँ पे एक हिंज दी है, इसके साथ ही एक और हिंज है, इसके साथ ही हमारे पास एक और रोलर सपोर्ट है, और यहाँ पे एक हमारे पास एक पिन सपोर्ट है। ठीक है, तो इसका नाम ए दिया हुआ है, इसका बी दिया है, इसका सी, इसका डी, इसका ई एंड इसका एफ। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें हमारे पास काम होता था, एक साइड को हमने क्या करना है, इस बीम को कंटिलीवर बनाना है, उसके बाद जितनी भी सपोर्टें हैं वो रिमूव करनी है। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, इसमें इसको हमने कंटिलीवर बनाना है, इसका मतलब हो गया कि इसमें हमने कितनी डिस्टेंस ऐड करनी है, इसमें हमने जो कंस्ट्रेंट जो हमने ऐड करनी है वो कितनी ऐड करनी है, इसमें कितनी कंस्ट्रेंट ऐड करनी है, यहाँ पे हमने दो कंस्ट्रेंट ऐड करनी है, आर डैश कितना ऐड करना है, दो, इसके लिए कितनी कंस्ट्रेंट ऐड करनी है, आर डैश इक्वल टू वन, इसके लिए कितनी ऐड करनी है, आर डैश इक्वल टू वन। ठीक है, तो मतलब कितनी जो कंस्टेंट पूरी जो हमने ऐड करनी है, इसमें कितनी, दो प्लस एक चार, चार ऐड करनी है। उसके बाद हमने सपोर्ट जो है इसकी सपोर्ट रिएक्शंस कितनी रिमूव करनी है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सपोर्ट रिएक्शंस रिमूव, सपोर्ट रिएक्शंस रिमूव, तो जो स्पोर्ट्स हैं उनकी कितनी रिएक्शन हमने रिमूव करनी है। अब रोलर स्पोर्ट है तो इसकी रिएक्शन कितनी होती है, वन होती है, इसकी हमने वन यहाँ पे ले ली, प्लस इसकी हमने रोलर की यहाँ पे वन है, ये वन ले ली,
प्लस इसकी जो पिन स्पोर्ट की जो रिएक्शंस होती है हमारे पास दो होती हैं, तो यहाँ पे दो लिख ली तो ये कितनी आ गई, फोर आ गई, तो मतलब स्पोर्ट रिएक्शंस फोर आ गई। देयरफॉर द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, स्पोर्ट रिमूव माइनस कंस्टेंट एडेड, कंस्टेंट एडेड, ठीक है, कंस्टेंट कितनी ऐड की, ठीक है, स्पोर्ट कितनी रिमूव की हमने, चार, कंस्टेंट है कितनी ऐड की हमने, चार ऐड की, तो ये बन गया जीरो, ठीक है। देर फोर जो बीम हमारे पास बन गया वो क्या बन गया, बीम इज डिटर्मिनेट, हमारे पास जो बीम बन गया वो डिटर्मिनेट बीम बन गया, मतलब जो बीम है वो डिटर्मिनेट बीम है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास इसकी थर्ड एग्जाम्पल है बीम की ही, यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके का बीम दिया हुआ है, ये हमारे पास बीम है, ये हमारे पास रोलर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और यहाँ पे डी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक हिंज दी है, ठीक है, तो हिंज के लिए हमारे पास जो डिस्टेंस रिक्वायर्ड होती है वो वन होती है, दैट मीन्स आर डैश यहाँ पे वन रिक्वायर्ड होगा, यहाँ पे फिक्स पोर्ट ऑलरेडी है तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन हम अगर सी की बात करें तो सी पे हमारे पास यहाँ पे रोलर दिया हुआ है, ठीक है, तो रोलर दिया हुआ है, यहाँ पे हमें जो है दो रिस्ट्रेंट हमें ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है, दो कंस्ट्रेंट हमें ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि रोलर है, इसको फिक्स करने के लिए हमें दो कंस्ट्रेंट ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमारे पास जो इसमें आएगा नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट एडेड, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट एडेड, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट एडेड इक्वल टू वन, ये आ गया, टू ये आ गया, दैट मीन्स ये आ गया थ्री, ठीक है। उसके बाद इसमें कितनी हमने जो स्पोर्ट है वो रिमूव करनी है, तो स्पोर्ट इसमें यही हमें रिमूव करनी है, इस स्पोर्ट में कितनी रिएक्शंस होती है हमारे पास, तीन रिएक्शंस होती है, दैट मीन्स स्पोर्ट्स रिमूव इक्वल टू थ्री, ठीक है। देयरफॉर हमारे पास जो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी जो होगी वो किसके बराबर होगी, थ्री माइनस थ्री, तो ये फार्मूला था स्पोर्ट रिमूव माइनस कंस्टेंट एडेड, ठीक है, स्पोर्ट रिमूव तीन आ गई, कंस्टेंट एडेड आ गई तीन, तो ये आ गया जीरो। देयरफॉर स्ट्रक्चर इज डिटर्मिनेट, देयरफॉर स्ट्रक्चर इज डिटर्मिनेट, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर आ गया जीरो, तो स्ट्रक्चर ये क्या है, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, ठीक है। आई होप ये सारी प्रॉब्लम्स आपको आपको समझ में आ गई होंगी, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियोस देन लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।